अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। यार आज हम लोग कंपैरिजन करें कि एप्पल मैकबुक प्रो M4 14 इंच और आईपैड प्रो 11 इंच का। ये दोनों डिवाइसेज अपने फैमिली के बेस मॉडल या फिर आप कहने सबसे लोएस्ट मॉडल हैं, लेकिन और अब देखते हैं कि दोनों के स्पेसिफिकेशन में कितना डिफरेंस है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो आईपैड प्रो में 11 इंच का अल्ट्रा रेटिना XDR डिस्प्ले आता है, और अगर रेजोल्यूशन की बात की जाए तो ये 2420x1668 पिक्सल की रेजोल्यूशन 264 ppi पे देता है। इसके अलावा इसमें प्रोमोशन टेक्नोलॉजी आती है जो कि आपको 10 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज का अडाप्टिव रिफ्रेश रेट देती है। अगर ब्राइटनेस की बात की जाए तो इसमें HDR ब्राइटनेस 1000 निट्स मैक्स और HDR कंटेंट पे आपको 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। अब बात करते हैं मैकबुक प्रो की डिस्प्ले की। तो यार इसमें आपको लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है, और अगर रेजोल्यूशन की बात की जाए तो इसमें 3024x1964 की नेटिव रेजोल्यूशन 257 ppi पे मिलते हैं। मैकबुक प्रो में भी प्रोमोशन टेक्नोलॉजी आती है जो कि आपको अप टू 120 हर्ट्ज का अडाप्टिव रिफ्रेश रेट देती है, लेकिन इसमें 47 से लेकर 60 हर्ट्ज के फिक्स रिफ्रेश रेट्स भी आते हैं। मैकबुक प्रो में आपको HDR कंटेंट पे 1000 निट्स की मैक्स ब्राइटनेस मिलती है, जबकि HDR कंटेंट पे आपको 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। मैकबुक प्रो और आईपैड प्रो दोनों में आपको नैनो टेक्सचर डिस्प्ले मिलता है। स्टोरेज की बात की जाए तो आईपैड प्रो का ये पर्टिकुलर मॉडल 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जबकि मैकबुक प्रो में 16 GB रैम और 512 GB SSD की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। ऑल्दो ये दोनों डिवाइसेस M4 चिप के साथ आती हैं, लेकिन iPad Pro में आपको 9 core CPU मिलता है जिसमें 3 परफॉर्मेंस कोर्स और 6 एफिशिएंसी कोर्स आते हैं। इसके अलावा इसमें 10 core GPU भी मिलता है। अब अगर बात की जाए MacBook Pro की तो इसमें आपको 10 core CPU मिलता है जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर्स और 6 एफिशिएंसी कोर्स आते हैं, और इसमें भी आपको 10 core GPU मिलता है। दोनों डिवाइसेज में 16 core न्यूरल इंजन और 120 GB/s की मेमोरी बैंडविड्थ मिलती है। iPad Pro और MacBook Pro दोनों डिवाइसेज एप्पल इंटेलिजेंस के साथ। अब बात करते हैं कैमरा की। iPad Pro में 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप आता है जो कि आपको अप टू 5x का डिजिटल जूम देता है, और इसमें आप 4K 60fps की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। iPad Pro में आपको 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिलता है, जबकि MacBook Pro में आपको 12 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा डेस्क व्यू की सपोर्ट के साथ मिलता है, और इसमें आप 1080 पिक्सल की HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। दोनों डिवाइसेज में HDMI की सपोर्ट मिलती है, लेकिन iPad Pro में आप अप टू 6K रेजोल्यूशन का एक्सटर्नल डिस्प्ले अटैच कर सकते हो, जबकि MacBook Pro में आप अप टू 8K रेजोल्यूशन का एक्सटर्नल डिस्प्ले अटैच कर सकते हो। यार iPad Pro में आपको 31.29 वाट आवर की बैटरी मिलती है जो कि आपको अप टू 10 आवर्स की वेब सर्फिंग दे सकती है, जबकि MacBook Pro में आपको 72.4 वाट आवर की बैटरी मिलती है और ये आपको अप टू 16 आवर्स की वेब सर्फिंग दे सकती है। iPad Pro में आपको 20 वाट USB-C का पावर अडाप्टर मिलता है, जबकि MacBook Pro में आपको 70 वाट USB-C का पावर अडाप्टर मिलता है। दोनों डिवाइसेज सेम कलर ऑप्शन के साथ आती है, स्पेस ब्लैक और सिल्वर। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने मेंशन किया था कि दोनों की प्राइसेज में फर्क है, तो यार iPad Pro की स्टार्टिंग प्राइस $999 है, जबकि MacBook Pro की स्टार्टिंग प्राइस $1599 है। तो यार ये था आज का कंपैरिजन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।